हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द सुषमाज किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डोसा। तो चलिए देखते हैं ये डोसा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है चावल और उसे हमें भिगोकर रख देना है। ये वही चावल है जो हम नॉर्मली अपने खाने में हमेशा यूज़ करते हैं, वही चावल हमें इसमें भी यूज़ करना है। इस चावल को मैंने यहाँ पर पहले से ही भिगो कर रख लिया था ओवरनाइट के लिए। आप अगर ठंडी का समय हो तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख देंगे, या फिर गर्मी का समय हो तो गर्म जगह पर दो रख देंगे जहाँ पर वो 2 से 3 घंटे में वो अच्छी तरह से फूल जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया है उड़द की दाल, मेथी का दाना और चने का दाल। उड़द का दाल यहाँ पे हमें लेना है 1.2 कप, यानी कि 1/2 कप। इसे 1 कप हमें उड़द की दाल लेनी है और इसी कप के मेज़रमेंट से 2 गुना हमें चावल का मेज़र करके रख लेना है। अगर आपके पास मेज़रमेंट कप नहीं होगा तो आप जो भी कटोरे या किसी कप से अगर आप मेज़र करके उड़द की दाल ले रहे हैं उसी कप से आप 2 गुना चावल भी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल और चने की दाल को भी ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। आप इसे भी गर्मी के टाइम में 2 से 3 घंटे के लिए रख सकते हैं किसी गर्म जगह पे। यहाँ पे मैंने चने की दाल नॉर्मल जो हम खाने की चम्मच यूज़ करते हैं उसी चम्मच से मैंने यहाँ पे 1 से 2 चम्मच चने की दाल डाली है और इसी चम्मच के मेज़रमेंट से 1 चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी का दाना भी डाला है। तो अब चलते हैं इसे हम पीसते कैसे हैं। दाल और चावल दोनों को हमें अलग अलग भिगो कर रख देना है और इसे पीसना भी हमें दोनों अलग अलग करके ही है। हमें इसे पीसने के टाइम में एक ही बार में सारा पानी नहीं डाल देना है, इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए तब पीसेंगे। अगर हमने इसे सोक पानी जिस पानी में सोक किया हो तो वो पानी हम चेंज कर देंगे, अच्छी तरह से धो लेना है इसे पहले, फिर उसके बाद हमें लेना है दूसरा पानी। यहाँ पे मैंने उड़द की दाल को पीस लिया है, अब हम यहाँ पे चावल को पीसेंगे। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये मिक्स हुआ है। अब हम चावल को पीसेंगे। यहाँ पे चावल को भी देख सकते हैं कितना स्मूथली पिसा है। कुछ इसी तरह से हमें चावल को भी पीस लेना है। यहाँ पे मैंने सबको पीस लिया है, अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें नमक नहीं डालेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे ठंडी का समय है तो मैं यहाँ पे इसे एक ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए छोड़ दूँगी। अगर गर्मी का समय होगा तो मैं इसे किसी गर्म जगह पे रखूँगी ताकि ये 2 से 3 घंटे में फर्मेंट हो जाए। तो देख सकते हैं हमारा ये बैटर अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। तो अब हम इसमें यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, और नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अभी भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसे थोड़ा सा और पतला करना चाहिए मुझे। अगर आपको लगे कि और भी गाढ़ा है तो आप इसमें हल्का सा और पानी ऐड कर सकते हैं। पानी डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें, एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करते जाना है। देख सकते हैं बैटर कुछ इस तरह से होना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। तो हमारा बैटर तो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं डोसे की स्टफिंग की ओर। सबसे पहले हमें गैस पर एक कढ़ाई चढ़ानी है, उसमें हमें जीरा डालना है और जो हम नॉर्मल तेल यूज़ करते हैं खाना बनाने में वही तेल हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है, सरसों का तेल है ये। और इसमें थोड़ा सा हमें जीरे को चटकने देना है थोड़ी देर। 2-3 सूखी हुई लाल मिर्ची भी आप डाल सकते हैं। जब हमारे
हमारा जीरा चटक जाएगा तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। उसमें ही हमें आदी और लहसुन को भी डाल देना है। यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन को कूट लिया था। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसमें ही हमें सारे मसाले ऐड करने हैं। हल्दी यहाँ आधा चम्मच डाल ली हूँ, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे मिर्ची का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। मसाला को हमें यहाँ पे अच्छी तरह से भूनना है, तब उसके बाद हमें इसमें उबले हुए आलू डालने हैं। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है तो अब हम इसमें ऊपर से ऐड करेंगे कसूरी मेथी। और यहाँ पे हम डालेंगे उबले हुए आलू। उबले हुए आलू को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से क्रश कर लिया है और हम इसमें डाल देंगे। अब हम यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हमें सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आलू अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अगर आपको यहाँ पे लगे कि आलू और भी ज़्यादा मोटा है तो आप इसे स्मैशर से और भी अच्छी तरह से फाइनली छोटा छोटा पीस कर सकते हैं। तो अब हमें इसे दूसरे बाउल में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। तो हमारा डोसे की स्टफिंग रेडी हो चुकी है तो अब हम चलते हैं डोसा बनाने की ओर। सबसे पहले हमें एक लेना है डोसा के लिए पैन और उसे गैस पर रख देना है। थोड़ी देर तक उसे गर्म करना है, फिर उसके बाद हम उसमें गर्म करना है उसमें एक से दो बूंद यानी कि थोड़ा सा कुछ बूंद ऑयल डालना है। उसके बाद पानी से उस पर छींटे मारेंगे और एक क्लीन क्लॉथ लेके उस पानी को पोंछ देंगे और उस पर हम वो बैटर डालेंगे और उसको हल्का हल्का करके हम उसे फैलाते हुए चले जाएंगे। जब ये डोसा अच्छी तरह से पक जाएगा ये ऑटोमेटिकली ही ये तवे को छोड़ने लगेगा। तो देख सकते हैं ये अब लग रहा है कि अंदर से पक चुका है। इसे हमें एक ही साइड से सेकना है, दोनों तरफ से नहीं। तो जब हमें लगे कि ये पकने लग गया है अंदर से तो अब हम उसमें के जो आलू की स्टफिंग थी उसे हम स्प्रेड करेंगे। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये पक चुका है, अपने आप ही ये निकल रहा है। ऐसे हल्के हल्के हाथों से हमें अच्छी तरह से रोल करते हुए जाना है। देख सकते हैं ये कितनी क्रंची लग रही है। देख सकते हैं मैं एक और बार बना के दिखा रही हूँ। हल्का सा यहाँ पे मैंने तेल लिया था, थोड़ा सा पानी स्प्रेड करके उसमें छिड़क दिया था और इसे मैं पोंछती हूँ। और यहाँ पे वही बैटर मैं यहाँ पे डालूंगी और इसे हल्के हल्के हाथों से स्प्रेड करूंगी पूरे तवे पे। देख सकते हैं ये अंदर से सिक चुका है तो अब हम इसमें आलू की स्टफिंग स्प्रेड करेंगे। इसमें हमें तेल की ज़्यादा ज़रूरत, इसे हल्के हल्के हाथों से ही हमें साइड से भी निकाल लेना। देख सकते हैं कितनी आसानी तरह से ये निकल जाता है, कितना अच्छा ये बैटर बना हुआ था। हल्के हल्के हाथों से ही अभी हमें इसे रोल करते हुए जाना है। देख सकते हैं हमारा डोसा कितना बाजार का स्टाइल जैसा लग रहा है। देख सकते हैं ये कितनी क्रंची है, इसका साउंड से ही हमें लग रहा है कि कितनी क्रंची बनी हुई है। यहाँ पे मैंने इस डोसे को सर्व किया बादाम की चटनी और टमाटर की लाल चटनी के साथ। अगर आप कोई और भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, ये जैसे नारियल की चटनी हो गई, सांभर के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने बादाम की चटनी डाली है। आपको अगर बादाम की चटनी बनानी हो तो मैंने पहले से ही मैंने इसकी वीडियो डाली है, तो आप जाकर उसे भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।